देखें हमारा टॉलूस का पेयर और ये जोड़ा बैठा हुआ है अंडों। हाँ तो भाई सलाम अलैकुम, हमारी जो है वो डक सेवरी में दोबारा हम जा रहे हैं और उस दिन भी मैंने अंडों के ऊपर एक व्लॉग बनाया था जिसके अंदर आपको दिखाया था कि मजीद अंडे यहाँ पे और आ गए थे बाहर की साइड पे। तो अभी ये देखना है कि ये अंडे जो है उस पर कौन बैठ रहा है और अंडे पे जो है वो गीज बैठ गई है। ये देखें ये बैठी हुई है अंडों के ऊपर। देखें हमारा टॉलूस का पेयर और इस डक को देखें और इसका साइज देखें, इसकी चाल देखें और बाकी डक्स के साथ को देखें कितने बड़ी साइज की है। माशाल्लाह बहुत प्यारी डक्स है। हम उधर वाले नाइट रूम में चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वैसे हमने इंक्यूबेटर मंगवा लिया है और बहुत सारे अंडे जो है हम इंक्यूबेटर में शिफ्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आपको याद होगा अंडे थे उनको हमने शिफ्ट कर दिया था और अब जो है वो मजीद ये जोड़ा बैठा हुआ है अंडों पे और ये घूम रहे हैं। हाँ यहाँ से तो अंडे शिफ्ट कर दिए ना, फिर भी ये जोड़ा बैठा हुआ है। इसको उठाया नहीं था। बस ठीक है इसको बैठे रहने देते हैं। ये भी अंडे देना शुरू कर देना। ये दे रही होंगे, इनके अंडे थोड़े छोटे आएंगे। और ये मस्कूबी और पानी के अंदर तलापिया फिशेज हैं। ये देखे भाई ये कुछ माहौल है, ऊपर नेट लगा दिया है ताकि कौवे वगैरह अंडे ना खाएं। हाँ भाई लेट्स सी के जो है वो हमने इंक्यूबेटर में जो अंडे डाले हैं वो जो है वो हैच होते हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा।